राधे कृष्णा भक्त जनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के सामने दीपक के लॉ में जो फूल बनते हैं उसके ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूं। उससे संबंधित कुछ शकुन अपशकुन यानी शुभ या अशुभता की बातें को लेकर उपस्थित हुई हूं। आज मैं आप सभी को जानकारी दूंगी कि दीपक में लॉ जो बनते हैं उसमें जो बनने वाले लॉ हैं वो कैसे सही रहते हैं, अशुभ होते हैं और कैसे अशुभता का प्रमाण देते हैं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए जानकारी हम अपनी शुरू करते हैं। तो हम अपनी नित्य पूजा में देखते हैं कि दीपक की लौ में जो फूल बनते हैं उसे हम शुभ मानते हैं और उसका जो प्रतीक होता है, कहने का मतलब होता है कि हमारी पूजा सफल हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि दीपक की लौ जो है अगर किस तरह झुकनी चाहिए या क्या होनी चाहिए उसके बारे में नहीं पता है। तो यदि पूजा के समय अगर दीपक की लौ दाहिनी तरफ झुकती है तो यह शुभ फल मानने का संकेत होता है। यदि दीपक की लौ का रंग अगर ज़्यादा नीलापन होता है, यानी कि नीचे से आप देखते होंगे कि ज़्यादा नीला हो गया है, तो पूजा का शुभ फल कम हो जाता है। पूजा में जो दीपक की लौ अस्थिर होती है, यानी कि अच्छा उसे नहीं माना जाता, यानी हिलती रहती है उसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये संकेत अनावश्यक व्यय होने का माना जाता है। दीपक की बड़ी लौ का इशारा होता है कि यदि आपके दीपक में जो लंबी लौ लगती है तो इसका मतलब होता है आपके हर काम पूरे होने वाले हैं, यानी कि ये आपके लिए शुभता का प्रतीक है। दीपक की लौ अगर स्थिर, बड़ी और एक समान होती है तो समझ जाना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है, वे आप पे प्रसन्न है। अगर आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन यानी अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में करना क्या है? तो आपको करना ये है कि आप जो भी देवी देवता की आरती कर रहे हैं उनसे आप क्षमा मांगिए और आप ध्यान करने की कोशिश करें कि आपसे कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ क्या रह गया है, और आप उनसे क्षमा याचना कीजिए और दीपक को पुनः आप प्रज्वलित करके आरती करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पूजा करते समय सच्चे भाव से भगवान को जो है आप सब कुछ पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए उनकी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।